हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मैं प्रताप सिंह और ये है आपका बेटे पुलसा चैनल ट्रेडिंग मनिया। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास एक्स के बारे में और ये हमारा लेक्चर नंबर 25। अगर आप लोग मेरा पहले का लेक्चर नहीं देख चुके हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज का लेक्चर बहुत बेहतरीन मानने वाला है। अगर आप लोग ये लेक्चर पूरा एंड तक देखते हैं तो आई होप आपको ये टॉपिक का अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो एप्स जो है ये एक कैसा टाइप का क्लास है आपका, ये ज्यादातर बार्स यहाँ पे रहते हैं। बार्स क्योंकि ये कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? एबिस। एबिस वर्ड से ये डिराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है बर्ड्स। फिर ये बर्ड्स जो होते हैं इनका ज्यादातर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके में फिगर प्रेजेंट होता है, फिगर कंसिस्ट करके रखते हैं और ये क्या कर सकते हैं? फ्लाई कर सकते हैं, एक को छोड़ के सिर्फ किसको? ओस्ट्रिच को। ओस्ट्रिच क्योंकि इसका वेट ज्यादा होता है, और भी बहुत सारा रीजन है लेकिन हम वेट को ही कंसिडर करते हैं ज्यादातर। ये फ्लाइटलेस है, फ्लाइटलेस फ्लाइटलेस बर्ड है। फर्स्ट आपका क्या है? ओस्ट्रिच है। फिर यहाँ पे क्या है, इनका बीक प्रेजेंट होता है। बीक मतलब क्या है? बीक मतलब है ये वाला जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? बीक बोलते हैं। फिर इनका फोर लिम्स जो होता है, फोर लिम्स किसमें कन्वर्ट हो जाता है? विंग्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं दिखाया हूँ विंग्स, ये है, ये दो जो विंग्स है वो फोर लिम्स जो होता है वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जो इनका हिंड लिम्स होता है, हिंड लिम्स में क्या होता है? स्केल ये कंसिस्ट करके रखते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लेग्स दोनों में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो दो टू लेग्स है इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और ये किसमें मदद करता है? ये मदद करता है आपके वॉकिंग में, वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, स्विमिंग के लिए और ग्लैस्पिंग, ग्लैस्पिंग द ट्री हो गया। फिर इनका जो स्किन रहता है, स्किन क्या होता है? इनका ड्राई होता है विदाउट एनी ग्लैंड, इनके पास कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन इसमें आपका एक्सेप्शन है, क्या होगा एक्सेप्शन आपका? ये होगा कि इनका जो टेल रीजन होता है, बेस ऑफ द टेल में क्या होता है? ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। बेस ऑफ द टेल में, बेस ऑफ द टेल, टेल के बेस में क्या होता है? ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है इसके बॉडी में। फिर इनका जो बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, बोनी एंडोस्केलेटन। तो इनका जो स्केलेटन होता है वो फिर कैसा होता है? इनका स्केलेटन जो होता है ये होलो होता है। इनका जो बोन सारा रहता है, ये आपका मान लो बोन हो गया, हो गया। तो इनके बोन के अंदर क्या रहता है? ये में यहाँ पे होलो रहता है, यहाँ पे पूरा स्टीक होके नहीं रहता है, यहाँ पे होलो रहता है आपका। इसके वजह से इनका वेट लेस होता है और ये क्या कर सकते हैं? फ्लाई कर सकते हैं। अगर ज्यादा वेट होगा तो फ्लाई नहीं कर पाएंगे ना, जैसे ओस्ट्रिच के केस में होता है। फिर इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक रहता है, इसमें और दो ऑर्गन प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा ऑर्गन क्या है? वो क्रॉप और गिजार्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये दो ऑर्गन एक्स्ट्रा। फिर इनका जो हार्ट रहता है, हार्ट की तरह कैसा होता है? फोर चैम्बर होता है, टू ओरिकल और टू वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है यहाँ पे। फिर इनका क्या होता है? ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। तो इनका क्या है? होमियोथर्मिक, होमियोथर्मिक होते हैं। मीन्स क्या है? ये वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। और इनका रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू होता है। फिर ये जो लंग्स होता है, लंग्स में इनका क्या होता है? एयर सैक्स प्रेजेंट होता है जो इसको सप्लीमेंट्री रेस्पिरेशन के लिए मदद करता है। फिर कनेक्टेड होता है उसके साथ। फिर इनका जो सेक्सेस होता है ये सेपरेट होता है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। फिर इनका फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इंटरनल होता है, ओविपोरस होते हैं, ये एग ले करते हैं। और इनका जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट आपका डायरेक्ट होता है। तो आई होप आपको क्लास एप समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, और मेरे चैनल में जो न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे वीडियो को बहुत सारा शेयर भी करना। तब के लिए बाय।